के खिलाफ मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तो ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती। पत्रकार जो हैं ये बड़े रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, मैं आपको इसी दृष्टि से देखता हूं। आशीष कोहली भी एक पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो लॉ जो है इसीलिए बनता है, वो देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगी कि उसमें सच्चाई क्या है। और मैं यही चाहूँगा, फिर से यही कहूँगा कि किसी भी तरह की जो इस समय पीसफुल एटमॉस्फेयर है इसको ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। और मैं इनिशिएटिव लूँगा, मैं सभी कम्युनिटी के लोगों को मिलूँगा ताकि ये जो चीज़ें हैं वो जम्मू के अंदर ना। आप सबका धन्यवाद, बहुत कम समय मिला जब आपको इनविटेशन गया, आप सब आए। आज का जो इशू है वो आपके सामने है, जिस तरह से आज की सिचुएशन है, एक स्टेटमेंट पे जिस तरह से लोगों ने अपना एक क्रम बना लिया है, जिस तरह मर्जी हम स्टेटमेंट दें, हमें कोई पूछने वाला नहीं चाहिए। जिस तरह का वातावरण जो है वो आज बनाने की कोशिश की जा रही है, चैम्बर हमेशा उस वातावरण के अगेंस्ट खड़ी है। चैम्बर ने हमेशा चाहा है कि यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जम्मू में, स्पेशली मैं जम्मू की बात करूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई हमारी प्रायोरिटी रही है, हम सबको लेकर के चलने वालों में से हैं और हमेशा यही चाहेंगे कि किसी भी तरह की ऐसे हालात यहाँ पर ना बने जिससे आपस में कोई क्लैश हो। कुछ लोगों ने जिस तरह से भद्रवाह में, अभी की मैं ये कहूँगा कि दिल्ली के बैठे हुए कुछ लोगों ने भी चाहे स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन अगर इसका रिएक्शन जो है इस तरह का है कि हमें कुछ भी बोलने की इजाज़त है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर अपील करूँगा कि ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर डालना चाहिए। वासुकी मंदिर का तोड़ना, सिलेक्टिव किलिंग्स जो हैं उनको करना, ये उसी का एक पार्ट है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आज का जो माहौल है, जिस तरह से भद्रवाह में एक मुस्लिम, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि अगर कोई इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो, किसी कम्युनिटी का हेड हो, वो जैसी बातें नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो एक आम व्यक्ति है वही इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। मैं ये चाहूँगा कि जम्मू के अंदर यहाँ पर हर व्यक्ति जो है इस बात की चिंता करे कि कम्युनल हारमोनी जो है वो यहाँ पर बनी रहे, हिंदू आगे आए, मुस्लिम आगे आए, सिख आगे आए, ईसाई आगे आए, और आकर के हम लोग जो हैं जिस तरह से हमेशा हमने ऐसी सिचुएशन को डिफ्यूज किया है, इस जम्मू के अंदर किसी तरह का भी कम्युनल क्लैश जो है वो संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ, जनरल अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, कि सभी लोग जो हैं मिल करके आज की इस सिचुएशन को जो अब बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसको डिफ्यूज करें। और मैं अपने सभी दुकानदार भाइयों को भी यही अपील करना चाहूँगा कि किसी तरह की प्रोवोकेशन में वो ना आए। मुस्लिम भाई भी जो है किसी तरह की भी सिचुएशन को समझते हुए कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी ना करें जिससे जो हमारा एक हमेशा से रहा है एक पीस, जम्मू जो है एक पीसफुल एरिया रहा है, किसी तरह की भी यहाँ पर ऐसी घटना ना हो जिससे हमारे जम्मू का पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब हो। और आपके माध्यम से, क्योंकि सभी पत्रकार जो हैं उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बारे में लेकर के, अपने अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हम लोग जो हैं पब्लिक के बीच में जाएं, लेकिन पब्लिक को इस तरह का हम लोग उनसे स्टेटमेंट लें जिससे हमारा जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है वो कहीं भी खराब ना हो।